नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग और आज जो खास पेशकश हम लेकर आ रहे हैं वो हर उत्तराखंडी से जुड़ी बात है। दरअसल हमने एक ऑनलाइन और ऑन फील्ड सर्वे किया है और उस सर्वे में कई नतीजे सामने आए हैं। मस्तन हमने जो 10 सवाल पूछे हैं उन 10 सवालों के जवाब में देवभूमि उत्तराखंड की जनता जनार्दन ने क्या कुछ कहा है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर मैं ऑन फील्ड सर्वे की बात करूं 2172 सैंपल तकरीबन हमने लोगों से जाके बात की, उनसे 10 सवाल पूछे, उनसे जवाब मांगे और तकरीबन 13,480 करीब हमारे पास ऑनलाइन सैंपल इकट्ठे हुए हैं। इनको मिलाकर हम जिन नतीजों पे पहुंचे हैं वो नतीजे अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं देवभूमि के दिल में क्या है 2022 के चुनाव को लेकर। अगर हम इस तस्वीर को देखने की कोशिश करें, जो हमारा पहला सवाल था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर था और 73% लोग, आप सोचिए 73% लोग आज भी ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी देश में सबसे लोकप्रिय नेता है, जबकि 21% लोग नहीं कह रहे हैं और 6% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। हमने दूसरा सवाल किया कि मुख्यमंत्री के लिए आपकी पसंद कौन है 2022 के चुनाव के मद्देनजर। तो जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो तस्वीर में आपके सामने रखना चाहता हूं और वो तस्वीर क्या कहती है ये बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जबरदस्त है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सबसे ऊपर सीएम की पसंद के लिए हरीश रावत 37% लोगों की पसंद है। अगर मुख्यमंत्री मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें 29% ने उनके पक्ष में मतदान किया है और मैं कहूंगा ये 29% एक अच्छा उनके पक्ष में मतदान है क्योंकि कम समय उन्हें मिला है और कहीं ना कहीं उन्होंने कम समय में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के पक्ष में भी लोगों ने कहा कि उनको उनके नेतृत्व पर विश्वास है, 19% लोग हैं। कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी जो उत्तराखंड में एक तीसरे विकल्प के तौर पर सोच रही थी कि वो आ रही है लेकिन यहां पर कुछ खास करती हमारे ओपिनियन पोल के लिहाज से नहीं दिखाई दे रही, 8% महज लोग मानते हैं कि कर्नल कोठियाल सीएम की पसंद है। प्रीतम सिंह जो नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के 2% लोग उनके पक्ष में हैं और यूकेडी काशी सिंह एरी जो उनके केंद्रीय अध्यक्ष हैं 1% लोग, अन्य की बात करें तो 4% लोग हैं। तो सीएम के लिए आपकी पसंद के जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं। हमारा तीसरा सवाल, किस पार्टी की सरकार देखना चाहते थे। आप देखिए बड़ी दिलचस्प बात निकल कर आई है इस ओपिनियन पोल में, ये अपने आप में दिलचस्प है। कांग्रेस यानी सत्ता विरोधी जो माहौल है वो दिखाई दे रहा है और एक परिवर्तन की छटपटाहट भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जरूर खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो 39% लोग कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं, 37% लोगों का कहना है कि हम भाजपा की वापस सरकार देखना चाहते हैं, यानी एक क्लोज कॉन्टेस्ट दिखाई दे रहा है। महज 10% लोगों ने आपके पक्ष में मतदान किया है, 7% यूकेडी और अन्य के पक्ष में 7% लोग। डबल इंजन की सरकार, क्योंकि 2017 में बीजेपी ने नारा दिया था कि डबल इंजन की सरकार देहरादून में और दिल्ली में मिलकर उत्तराखंड के विकास के लिए काम करेगी। यही सवाल हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता से पूछा कि क्या डबल इंजन सरकार का राज्य को फायदा मिला है। उसके जवाब में आप सुनिए, 35% लोग ये मानते हैं हाँ उत्तराखंड को डबल इंजन का फायदा मिला है, जबकि 56% लोग ये मानते हैं कि साहब उत्तराखंड को डबल इंजन का फायदा नहीं मिल पाया। या तो राज्य सरकार डबल इंजन का फायदा गिनाने में नाकामयाब रही या कुछ खास नहीं हुआ है, ये दो ही बात सामने आ सकती है और 9% लोग मानते हैं कह नहीं सकते। अब ये एक और दिलचस्प सवाल है, हम जानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होता है, सत्ता विरोधी वातावरण। इस पे जो हमने सवाल पूछा है, क्या अपने विधायक के काम से आप संतुष्ट हैं, ये एक और दिलचस्प बात हमारे ओपिनियन पोल पे निकल कर आई है। और आप सोचिए महज 24% लोग मानते हैं कि हाँ हम अपने विधायक के काम से संतुष्ट हैं,
जबकि असंतुष्टों की तादाद जो है वो 68% के आसपास है। यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसको 57 सीटें एक प्रचंड बहुमत मिला था, 47% से ज्यादा का वोट फीसदी मिला था, उस राजनीतिक दल के लिए चुनौती ये है कि अगर वर्तमान विधायकों को वो आगे लेके जाते हैं तो उसके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि लोग असंतुष्ट ज्यादा हैं उनके विधायकों के कामकाज से लेके। इसके बाद अगर हम अगले सवाल पे जाते हैं, ये और दिलचस्प सवाल है, पहाड़ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। ये एक दिलचस्प बात है कि राजनीति में मुद्दों की बात जरूर होनी चाहिए, और वो भी ऐसे मुद्दे जो आम जनमानस से सरोकार रखते हैं, देवभूमि उत्तराखंड की जनता से सरोकार रखते हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, 42% लोग कह रहे हैं कि साहब उनके लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, 31% लोग कहते हैं साहब शिक्षा और स्वास्थ्य इस राज्य में बड़ा मुद्दा है, महंगाई को लेकर 20% लोगों ने बहुत क्लियरली कहा कि साहब महंगाई ने उन्हें परेशान किया है, उनका बजट गड़बड़ाया है, और जंगली जानवरों से पहाड़ में जो खेती को नुकसान हो रहा है 6% लोगों ने कहा है, और ज्यादातर इनमें से पहाड़ के लोग हैं कि साहब हम खेती करना चाहते हैं लेकिन जंगली जानवर हमारी खेती को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी खेती को बचाने के लिए कुछ तो सरकार को करना चाहिए, और 1% जो ऐसे लोग थे जिन्होंने इस पर कोई राय नहीं रखी। सख्त भू कानून को लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक और यहां तक कि विधानसभा में भी ये मुद्दा जोर शोर से उठा है। वर्तमान सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जिसकी सिफारिशों का इंतजार है, लेकिन हमने सवाल किया क्या प्रदेश को एक सख्त भू कानून मिलना चाहिए जैसा हिमाचल प्रदेश में है या अन्य प्रदेशों में है, तो 68% लोगों का यह कहना है हाँ, देवभूमि उत्तराखंड को जल जंगल जमीन के लिए एक मजबूत भू कानून मिलना चाहिए। 21% लोग कह रहे हैं कि साहब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जहां पर आप जमीन पे कुछ बदलाव करेंगे यानी अपने लैंड एक्ट पे बदलाव करेंगे तो इससे निवेश प्रभावित हो सकता है, और 11% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। अब जो पहाड़ की सबसे बड़ी दिक्कत है साहब, हम हमेशा उत्तराखंडियों के बारे में कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। प्रधानमंत्री ने आज से 5 साल पहले कहा था पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी दोनों पहाड़ के काम आएगी, आप विश्वास रखिए। हमने यही सवाल जनता जनार्दन से पूछा, महज 11% लोग ये मानते हैं पलायन रुका है, 11% लोग, जबकि 81% लोगों का यह कहना है कि साहब पहाड़ से पलायन नहीं रुका है, आज भी देवभूमि उत्तराखंड में पलायन एक बड़ा मुद्दा है। माइग्रेशन जो हो रहा है वो राज्य के भीतर भी हो रहा है, राज्य से बाहर भी हो रहा है, और 1% के आसपास देश से बाहर भी हो रहा है, ये पलायन आयोग की रिपोर्ट में भी आया है। इसके बाद हमने पूछा क्या मुख्यमंत्री बदलने का फायदा बीजेपी को मिलेगा, इस पर लोगों की क्या राय है। 45% लोग कह रहे हैं कि हाँ साहब ये फायदा बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, और 43% लोगों का ये कहना, यानी एक मिलीजुली प्रतिक्रिया है लोगों की, बीजेपी को सीएम बदलने का कोई फायदा नहीं मिलने जा रहा है। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल था, क्या गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि वर्तमान सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है, वहां के लिए कई बड़े प्रोजेक्टों का ऐलान किया है, लेकिन अभी तक उसमें कुछ तेजी तो नहीं आई है। लेकिन लोग चाहते हैं कि साहब कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में जो गैरसैंण है उसे उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाया जाए, इस पर लोगों की राय बिल्कुल स्पष्ट है, और 56% लोग कहते हैं कि हाँ साहब बनना चाहिए, और 31% लोग कहते हैं कि साहब नहीं बनना चाहिए, और कह नहीं सकते कि तादाद 13% के आसपास है। इसमें हमें ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए कि हमने पहाड़ और मैदान दोनों में बात की है, तो इसलिए ये एक बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देवभूमि के दिल में क्या है, इन 10 सवालों के जरिए हमने जानने की कोशिश की। हमने जैसा कि मैंने कहा ऑन फील्ड और ऑनलाइन दोनों तरफ से हमने सैंपल इकट्ठे किए, और उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये तस्वीर जो हमने आपके सामने रखी है। अगर आप हमारी इस खबर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।